नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके और हमारे चैनल क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में। सबसे पहले आपके प्यार के लिए शुक्रिया कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। 15 मई 2021 की सुबह 4 बजे बिठूर थाना प्रभारी अमित मिश्रा को सूचना मिली कि सिंहपुर स्थित रुद्रा ग्रीन्स अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल से कूदकर किसी महिला ने जान दे दी है। सूचना अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड जगदीश ने दी थी। रुद्रा ग्रीन्स अपार्टमेंट में ज्यादातर धनवान लोग ही रहते थे, अतः उन्होंने मामले को गंभीरता से लिया और पुलिस टीम के साथ तत्काल घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। रुद्रा ग्रीन्स अपार्टमेंट बिठूर थाने से करीब 4 किलोमीटर दूर कल्याणपुर बिठूर मार्ग पर स्थित है। वहां पहुंचने में थाना प्रभारी को ज्यादा समय नहीं लगा। उस समय वहां भीड़ जुटी थी। शव के पास एक युवक सुबक रहा था। अमित मिश्रा ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि उसका नाम डॉक्टर सुशील वर्मा है और मृतका उसकी पत्नी डॉक्टर मंजू वर्मा है। वह अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल के फ्लैट नंबर 8A में रहते हैं। वहीं बालकनी से कूदकर इन्होंने खुदकुशी की है। हमने इनकी मौत की सूचना इनके मायके वालों तथा अपने परिजनों को दे दी है। चूंकि मौत का मामला हाई प्रोफाइल था और जरा सी चूक भारी पड़ सकती थी, अतः प्रभारी निरीक्षक अमित मिश्रा ने इस मामले की सूचना वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दे दिया। थोड़ी देर बाद ही एसएसपी प्रीतिंदर सिंह, एसपी वेस्ट संजीव त्यागी तथा डीएसपी कल्याणपुर दिनेश कुमार शुक्ला घटनास्थल पर आ गए। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। मृतका डॉक्टर मंजू वर्मा की लाश अपार्टमेंट के नीचे फर्श पर पड़ी थी। उनकी उम्र 30 वर्ष के आसपास थी। ऊंचाई से गिरने के कारण उनके शरीर की हड्डियां चकनाचूर हो गई थीं। पुलिस अधिकारी 8वीं मंजिल के फ्लैट नंबर 8A पर पहुंचे, जहां की बालकनी से डॉक्टर मंजू वर्मा ने छलांग लगाई थी। उन्होंने उस कुर्सी का भी निरीक्षण किया जिस पर चढ़कर वह कूदी थीं। पुलिस अधिकारियों ने फ्लैट की सघन तलाशी कराई, लेकिन उन्हें फ्लैट से सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। अधिकारियों को मामला संदिग्ध लगा। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम मौजूद थी। टीम प्रभारी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने बड़ी बारीकी से जांच शुरू किया। उन्होंने ग्राउंड फ्लोर से लेकर 8वीं मंजिल पर स्थित फ्लैट की जांच किया। जांच में उन्होंने पाया कि जहां से डॉक्टर मंजू वर्मा कूदी, वहां की बालकनी की बाउंड्री 3 फीट ऊंची है। बाउंड्री के पास कुर्सी मिली जो कि 40 सेंटीमीटर ऊंची थी। कुर्सी पर चढ़कर ही डॉक्टर मंजू वर्मा ने छलांग लगाई थी। टीम ने कई जगह से फिंगरप्रिंट भी लिए। फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर मंजू वर्मा ने खुदकुशी की थी। पुलिस अधिकारी अभी छानबीन कर ही रहे थे कि मृतका के पिता अर्जुन प्रसाद आ गए। उनके साथ पत्नी मीरा, बेटा विष्णुकांत, बेटी गरिमा व सरिता भी थी। बेटी का शव देखकर अर्जुन प्रसाद व मीरा रो पड़े। गरिमा, सरिता व विष्णुकांत भी बहन का शव देखकर रो पड़े। एसपी संजीव त्यागी ने उन्हें धैर्य बंधाया। घटनास्थल का निरीक्षण व मृतका के परिजनों के आ जाने के बाद पुलिस अधिकारियों ने शव को पोस्टमार्टम हेतु लाला लाजपत राय अस्पताल भिजवा दिया। आक्रोश को देखते हुए पोस्टमार्टम हाउस पर सुरक्षा भी बढ़ा दिया गया। एसपी वेस्ट संजीव त्यागी ने मृतका डॉक्टर मंजू वर्मा के पिता अर्जुन प्रसाद से घटना के संबंध में पूछताछ की तो वह रो पड़े। कुछ देर बाद आंसुओं का सैलाब थमा तो उन्होंने बताया कि दामाद सुशील वर्मा व उसका परिवार उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। डॉक्टर सुशील वर्मा रुद्रा ग्रीन्स अपार्टमेंट के जिस फ्लैट में रह रहा था उसे उसने 80 लाख रुपए में खरीदा था। इस पर 40 लाख रुपए का लोन था जो उसने उनकी बेटी मंजू वर्मा के नाम पर लिया था। इस लोन की अदायगी हेतु डॉक्टर सुशील वर्मा डॉक्टर मंजू वर्मा पर दबाव डाल रहा था, लेकिन बेटी कहती थी कि वह अभी प्रैक्टिस भी नहीं कर रही है। इतना बड़ा लोन वह कहां से चुकाए? तब वह बेटी पर मायके से रकम लाने को कहता था
मना करने पर उसके साथ मारपीट करता था। अर्जुन प्रसाद ने आगे बताया, 13 मई को मोबाइल फोन पर मेरी बात मंजू से हुई थी। तब उसने बताया था कि डॉक्टर सुशील से लोन को लेकर उसकी बहस हुई थी। बहस के दौरान उन्होंने उससे मारपीट की थी, तब से वह परेशान है। बेटी की व्यथा सुनकर मैंने उसे समझाया था और दामाद जी से बात कर कोई हल निकालने का आश्वासन दिया था। इसके बाद 14 मई की शाम मैंने बेटी से बात करने का प्रयास किया, लेकिन उसका फोन बंद था। रात 2 बजे उनके फोन पर कॉल आई। कॉल दामाद के छोटे भाई सुधीर ने की थी। उसने बताया कि मंजू भाभी ने बालकनी से छलांग लगाकर जान दे दी है। यह बात सुनते ही हमारे तो जैसे होश ही उड़ गए थे। फिर हम सभी प्रयागराज से अपने निजी वाहन से रुद्रा ग्रीन्स अपार्टमेंट पहुंचे। सर, मेरी बेटी मंजू ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि दामाद सुशील वर्मा ने उसे बालकनी से धक्का देकर मार डाला। दामाद को उकसाने में उनके बड़े भाई सुनील वर्मा का भी हाथ है, जो कानपुर देहात जिले में बेसिक शिक्षा अधिकारी है। आप मेरी रिपोर्ट दर्ज कर दहेज लोभियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कीजिए। एसपी वेस्ट संजीव त्यागी ने अर्जुन प्रसाद की बात गौर से सुनी और थाना प्रभारी को रिपोर्ट लिखने का आदेश दिया। थाना प्रभारी अमित मिश्रा ने एसपी साहब के आदेश पर अर्जुन प्रसाद की तहरीर पर दहेज हत्या की धारा 304B के तहत डॉक्टर सुशील कुमार वर्मा तथा उनके बड़े भाई सुनील वर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लिया। रिपोर्ट दर्ज होते ही थाना प्रभारी ने मृतका के पति डॉक्टर सुशील वर्मा को हिरासत में ले लिया। मृतका डॉक्टर मंजू वर्मा के शव का पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों के एक पैनल ने किया। परीक्षण के बाद शव को मृतका के पिता अर्जुन प्रसाद को सौंप दिया गया। दरअसल ससुराल पक्ष से शव लेने कोई भी पोस्टमार्टम हाउस नहीं आया था। अर्जुन प्रसाद बेटी का शव प्रयागराज ले जाना चाहते थे और वहीं अंतिम संस्कार करना चाहते थे, जबकि बिठूर पुलिस कोई रिस्क नहीं उठाना चाहती थी और अंतिम संस्कार कानपुर के भैरव घाट पर कराना चाहती थी। थाना प्रभारी ने इस बाबत अर्जुन प्रसाद से बात की तो वह इस शर्त पर मान गए कि बेटी को मुखाग्नि उसका पति देगा। इस पर बिठूर थाना प्रभारी मृतका के पति डॉक्टर सुशील वर्मा को लेकर भैरव घाट पहुंचे, जहां सुशील वर्मा ने पत्नी मंजू की चिता को अग्नि दिया। उसके बाद उसे पुनः थाने लाया गया। इधर मृतका की मां मीरा देवी व उसकी बेटियों सरिता व गरिमा सुशील वर्मा के फ्लैट पर पहुंची। उस समय फ्लैट पर डॉक्टर सुशील वर्मा की मां कौशल्या देवी तथा छोटा भाई सुधीर वर्मा मौजूद था। मां बेटियों ने वहां जमकर भड़ास निकाली और बेटी की सास कौशल्या देवी को खूब खरी खोटी सुनाई। मीरा देवी ने आरोपों की झड़ी लगाई तो कौशल्या देवी ने कहा कि वह गाँव में रहती है, बेटा और बहू शहर में रहते हैं। उन्हें ना तो लोन के संबंध में जानकारी थी और ना ही दोनों के बीच मनमुटाव की कोई जानकारी थी। बहू ने क्यों और कैसे जान दी वह नहीं जानती है। दहेज मांगने और प्रताड़ित करने की बात सरासर गलत है। उधर एसपी वेस्ट संजीव त्यागी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को गौर से पढ़ा। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 75 फीट की ऊंचाई से गिरने के कारण डॉक्टर मंजू वर्मा की लगभग सारी पसलियां टूटकर चकनाचूर हो गई थीं। दिल और लिवर फट गया था, आंतरिक रक्तस्राव हुआ जिसकी वजह से मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद एसपी संजीव त्यागी व डीएसपी दिनेश कुमार शुक्ला ने आरोपी डॉक्टर सुशील वर्मा से बिठूर थाने में पूछताछ किया। उसने बताया कि 14 मई 2021 की शाम सब कुछ सामान्य था। रात 8 बजे उसने ऑनलाइन पिज्जा मंगाया। इसके बाद उसने व मंजू ने पिज्जा खाया। कुछ देर तक हम दोनों बातचीत करते रहे, उसके बाद सोने चले गए। रात 2 बजे 1.5 वर्षीय बेटे रुद्रांश के रोने की आवाज सुनकर उसकी नींद खुल गई। कमरे में आया तो देखा मंजू कमरे में नहीं है। कमरे से बाहर आकर बालकनी में देखा तो मंजू वहां भी नहीं थी। बालकनी से नीचे झांका तो शोर सुनाई पड़ा। नीचे आकर देखा तो मंजू की लाश पड़ी थी। इसके बाद उसने अपने घर वालों को सूचना दिया। डीएसपी दिनेश शुक्ला ने पूछा, तुम्हारी पत्नी मंजू वर्मा ने आत्महत्या की या तुमने उसे मार डाला? सुशील ने जवाब दिया, सर मैंने उसकी हत्या नहीं की, मंजू ने खुद आत्महत्या की है। श्री शुक्ला ने पूछा,
लेकिन डॉक्टर मंजू वर्मा ने आत्महत्या क्यों किया? सुशील ने जवाब दिया, सर डॉक्टर मंजू वर्मा ने MBBS की डिग्री हासिल की थी। शादी के पूर्व वह प्रैक्टिस करती थी, लेकिन शादी के बाद उनकी प्रैक्टिस छूट गई थी। उनकी साथी उन्हें चिढ़ाती थी कि MBBS करने से क्या फायदा जो प्रैक्टिस ना कर सको। वह एंडी करना चाहती थी, लेकिन बच्चा होने से वह पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। इसी कारण वह डिप्रेशन में चली गई और उन्होंने आत्महत्या कर लिया। लेकिन सुशील कुमार की बात पुलिस अधिकारियों के गले नहीं उतरी और उन्होंने सुशील कुमार को दहेज हत्या में विधि सम्मत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सुशील के बड़े भाई सुनील वर्मा से भी पूछताछ किया, जो बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर कानपुर देहात जिले में तैनात थे। उन्होंने बताया कि डॉक्टर मंजू वर्मा की मौत से उनका कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर मंजू वर्मा ने मौत को गले क्यों लगाया, उन्हें कोई जानकारी नहीं है। डॉक्टर मंजू वर्मा के पिता अर्जुन प्रसाद ने उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस द्वारा की गई जांच, आरोपी के बयानों एवं मृतका के घर वालों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर डॉक्टर मंजू वर्मा की मौत की जो कहानी प्रकाश में आई वह इस प्रकार थी। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज शहर कई मायनों में चर्चित है। गंगा यमुना के संगम तट पर बसा प्रयागराज धर्म नगरी के रूप में भी जाना जाता है। हर 12 साल में यहाँ संगम तट पर कुंभ का मेला लगता है। देश विदेश के लाखों श्रद्धालु और संत मेले में आते हैं और गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं। मेले का आकर्षण देखकर विदेशी श्रद्धालु अचरज से भर उठते हैं। प्रयागराज शहर में उच्च न्यायालय भी है, जहां प्रदेश के मुकदमों की सुनवाई होती है। पूर्व में प्रयागराज को इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता था। इसी प्रयागराज का एक बड़ी आबादी वाला क्षेत्र है नैनी। नैनी क्षेत्र की पीडीए कॉलोनी में अर्जुन प्रसाद अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी मीरा देवी के अलावा 3 बेटियां मंजू, सरिता, गरिमा तथा एक बेटा विष्णुकांत था। अर्जुन प्रसाद औद्योगिक न्यायाधिकरण प्रयागराज में सहायक लिपिक पद पर कार्यरत थे। वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी, लेकिन रहन-सहन साधारण था। अर्जुन प्रसाद की बड़ी बेटी मंजू दिखने में जितनी सुंदर थी, पढ़ने में भी उतनी ही तेज थी। हाई स्कूल तथा इंटर की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास करने के बाद मंजू ने प्रयागराज के स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री हासिल कर ली थी। उसके बाद वह प्रैक्टिस करने लगी थी। मंजू डॉक्टर बन गई थी और कमाने भी लगी थी। लेकिन अर्जुन प्रसाद के माथे पर चिंता की लकीरें खींचने लगी थीं। एक देहाती कहावत है, जब बेटी भई सयानी, फिर पेटे नहीं समानी। अर्जुन प्रसाद और उनकी पत्नी मीरा भी इस कहावत से अछूते नहीं थे। मंजू के ब्याह की चिंता उन्हें सताने लगी थी। माता पिता मंजू का विवाह ऐसे युवक से करना चाहते थे जो उसके समकक्ष हो। मंजू डॉक्टर थी, सो वह डॉक्टर वर की ही खोज कर रहे थे। अथक प्रयास के बाद उन्हें एक लड़का पसंद आ गया। लड़के का नाम सुशील कुमार वर्मा था। सुशील कुमार वर्मा मूल रूप से उत्तर प्रदेश रायबरेली जिले के चतुर्भुज गांव का रहने वाला था। 3 भाइयों में वह मंझला था। सुशील का छोटा भाई सुधीर गांव में मां कौशल्या देवी के साथ रहता था और पेशे से वकील था, जबकि सुशील का बड़ा भाई सुनील बेसिक शिक्षा अधिकारी था। सुशील कुमार वर्मा खुद डॉक्टर था। वह उरई मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात था और कानपुर बिठूर स्थित रुद्रागिरीस अपार्टमेंट में रहता था। अर्जुन प्रसाद बेटी के लिए जैसा वर चाहते थे, सुशील कुमार वैसा ही था, अतः उन्होंने उसे पसंद कर लिया। इसके बाद 29 जनवरी 2019 को अर्जुन प्रसाद ने अपनी बेटी डॉक्टर मंजू वर्मा का विवाह डॉक्टर सुशील कुमार वर्मा के साथ धूमधाम से कर दिया। शादी में उन्होंने अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च किया था। डॉक्टर मंजू वर्मा बेहद खूबसूरत थी। ससुराल में जिसने भी उसे देखा, उसी ने उसके रूप सौंदर्य की तारीफ किया। डॉक्टर सुशील वर्मा जहां सुंदर पत्नी पाकर खुश था, वहीं डॉक्टर मंजू भी काबिल पति पाकर अपने भाग्य को सराह रही थी। कौशल्या देवी भी सुंदर बहू पाकर खुशी से इतरा उठी थी। डॉक्टर मंजू वर्मा कुछ दिन ससुराल में रही।
फिर पति सुशील वर्मा के साथ बिठूर कानपुर स्थित रुद्रा ग्रीन्स अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल के फ्लैट नंबर 8A में रहने लगी। बड़े प्यार से दोनों ने जिंदगी की शुरुआत किया। शादी के एक साल बाद डॉक्टर मंजू ने एक बेटे को जन्म दिया। उसका नाम रखा रुद्रांश। रुद्रांश के जन्म से उनकी खुशियां दोगुनी बढ़ गईं। एक रोज बातचीत के दौरान डॉक्टर सुशील ने मंजू को बताया कि जिस फ्लैट में वह रह रहे हैं उसे उसने 80 लाख रुपए में खरीद लिया है। इस पर उसने 40 लाख रुपए का लोन लिया है जिसे तुम्हें चुकाना है। पति की बात सुनकर डॉक्टर मंजू वर्मा चौंक पड़ी और बोली, मैं 40 लाख रुपए का लोन कैसे चुकाऊंगी? मैं तो बच्चे की परवरिश के कारण प्रैक्टिस भी नहीं कर रही हूँ। यह सब मैं नहीं जानता, लोन तुम्हें ही चुकाना है। तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो पिताजी से मांग लो, वह तुम्हें कभी मना नहीं करेंगे। डॉक्टर मंजू वर्मा समझ गई कि पति लालची है, दहेज के रूप में मायके वालों से पैसा लेना चाहता है। फिर भी मंजू ने पति को समझाया कि पिता की हैसियत ऐसी नहीं है कि वह लाखों रुपए दे सकें। इसके बाद तो अक्सर लोन अदायगी को लेकर मंजू और सुशील वर्मा में तकरार होने लगी। एक रोज मंजू ने अपने पिता को फोन किया, पिताजी आपसे दामाद चुनने में बड़ी भूल हो गई। आपका दामाद लालची है, उसने 40 लाख रुपए का लोन लिया है। वह कहता है कि यह लोन मुझे चुकाना होगा। बेटी की बात सुनकर अर्जुन प्रसाद चिंतित हो उठे। फिर भी उन्होंने मंजू को समझाया कि वह इस बाबत दामाद जी से बात करेंगे और उन्हें समझाएंगे। उन्होंने ऐसा किया भी, पर बात नहीं बनी। अब तो दिन पर दिन लोन अदायगी को लेकर मंजू और सुशील में तकरार होने लगी। सुशील मंजू को शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने लगा। मंजू एमडी की पढ़ाई पूरा करना चाहती थी, इसके लिए उसने प्रयास भी शुरू कर दिया था, लेकिन पति की प्रताड़ना और बच्चे की परवरिश के कारण वह टूट गई और पढ़ाई का इरादा बदल दिया। अब वह मानसिक तौर पर परेशान रहने लगी। 13 मई 2021 को भी डॉक्टर मंजू वर्मा और डॉक्टर सुशील वर्मा के बीच लोन अदायगी को लेकर झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बढ़ा कि सुशील वर्मा ने मंजू की पिटाई कर दिया। पिटाई से आहत मंजू ने पिता से फोन पर बात की और अपनी व्यथा बताई। अर्जुन प्रसाद ने उसे समझाया कि वह कोई रास्ता निकालेंगे। 14 मई 2021 की शाम को भी सुशील ने मंजू को प्रताड़ित किया। इस पर उसने खाना नहीं बनाया। तब सुशील ने ऑनलाइन पिज्जा मंगाया और खाया भी, लेकिन तनाव व गुस्से में मंजू ने कुछ नहीं खाया। रात 10 बजे मंजू अपने 1.5 वर्षीय बेटे रुद्रांश के साथ कमरे में पड़े पलंग पर लेट गई तथा सुशील वर्मा दूसरे कमरे में जाकर लेट गया। कुछ देर बाद वह गहरी नींद सो गया। डॉक्टर सुशील वर्मा तो सो गया, लेकिन गुस्से और तनाव में डॉक्टर मंजू वर्मा को नींद नहीं आई। इसी तनाव में मंजू कमरे से बाहर निकली और बालकनी में चहलकदमी करने लगी, लेकिन उसका तनाव फिर भी कम नहीं हुआ। इसी तनाव में डॉक्टर मंजू वर्मा ने बालकनी में रखी कुर्सी पर चढ़कर नीचे छलांग लगा दिया। नीचे गिरते ही उसकी मौत हो गई। रुद्रा ग्रीन्स अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड जगदीश ने किसी भारी वस्तु के गिरने की आवाज सुनी तो वह वहां पहुंचा और महिला की लाश देखकर शोर मचाया। शोर व बच्चे के रोने की आवाज सुनकर सुशील वर्मा की नींद खुली तो वह कमरे में आया। कमरे में मंजू नहीं दिखी तो बालकनी पर पहुंचा, वहां से झांका तो उसके होश उड़ गए। नीचे आकर देखा तो मंजू की लाश पड़ी थी। उसने फोन से मंजू की मौत की सूचना बड़े भाई सुनील वर्मा तथा छोटे भाई सुधीर को दिया। सुधीर ने मंजू के पिता अर्जुन प्रसाद को फोन पर सूचना दिया, तब वह कानपुर पहुंचे। इधर सिक्योरिटी गार्ड जगदीश की सूचना पर बिठूर थाना प्रभारी अमित मिश्रा रुद्रा ग्रीन्स अपार्टमेंट पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू किया। जांच से पता चला कि मंजू वर्मा ने तनाव में 8वीं मंजिल से छलांग लगाकर जान दी है, लेकिन उनके पिता ने दहेज हत्या में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अतः रिपोर्ट के आधार पर ही मंजू वर्मा के पति सुशील वर्मा को गिरफ्तार किया गया। 16 मई 2021 को बिठूर पुलिस ने डॉक्टर सुशील वर्मा को चौबेपुर की अस्थायी जेल भेजा, जहां कोरोना जांच तथा अन्य औपचारिकताएं पूरी की गईं। इसके बाद 27 मई 2021 को उन्हें कानपुर कोर्ट में पेश किया गया।
जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दूसरे आरोपी सुनील वर्मा, जो बेसिक शिक्षा अधिकारी है, को पुलिस ने कहानी लिखने तक गिरफ्तार नहीं किया था। शासन प्रशासन की अनुमति के बाद ही उसकी गिरफ्तारी संभव हो सकेगी। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आज की कहानी बस यही तक। अब बारी कमेंट पढ़ने की है। सामा जी ने कमेंट किया है, योर नरेशन इज वेरी गुड, सिंपल एंड क्लियर, कीप गोइंग फ्रॉम नेपाल। सामा जी, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। कल्पना गुरुंग जी ने कमेंट किया है, भाई जान आपका सब वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपकी कहानी बताने का अंदाज बहुत अच्छा है, लव फ्रॉम नेपाल। मैम, आपके कमेंट के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। कल्पना लिंबू जी ने कमेंट किया है, आप स्टोरी बहुत अच्छा बताते हैं, आपका स्टोरी ड्यूटी टाइम में भी सुनती हूँ और रात को भी देखती हूँ, ऐसी स्टोरी डालते रहना बहुत अच्छा लगता है। मैम, आपके कमेंट के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरा वीडियो रोज देखती हैं। वैसे मैं भी आपका चैनल देखा, आपके शॉर्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगे, आपका चैनल मैंने सब्सक्राइब भी कर दिया है। सरिता सिंह जी ने कमेंट किया है, आपकी स्टोरी दिल को छू लेने वाली होती है, मैं डेली सुनती हूँ। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी भाई बहनों से गुजारिश है कि जब भी आप कमेंट करें तो प्लीज अपने शहर का नाम और अपना नाम जरूर लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आपका नाम क्या है और मेरी वीडियो कहाँ तक जाती है, और कमेंट पढ़ने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। दामी दियुम जी ने कमेंट किया है, आई एम फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, मुझे आपका स्टोरी बहुत अच्छा लगा, इसलिए सब्सक्राइब तो बनता है। दियुम जी, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप लोगों का ऐसा कमेंट आता है तो मुझे भी पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। मंजीत कौर जी ने कमेंट किया है, महेश रस्तोगी जी ने छपरा बिहार से कमेंट किया है, सुषमा साहा जी ने कमेंट किया है, मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर्स हैं, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे अलोक सर, रकीब सर, राहुल जयकर सर, नरेंद्र जोशी सर, मारुति सर, मीरा मैम, रीता छेत्री मैम, सिमरन सावी जी, सरिता राय जी, नादिया उम्बर लोदी जी, कंचन पटेल जी, और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।